इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं डेल के मल्टीमीडिया कीबोर्ड की, जिसका मॉडल नंबर है KB216। इसको हमने अमेजोन से 599 रुपए में खरीदा है। ये एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड है और ये एक चिकलेट कीबोर्ड है। वेल दोस्तों, कीबोर्ड तीन प्रकार के होते हैं, चिकलेट कीबोर्ड, मेम्ब्रेन कीबोर्ड और मैकेनिकल कीबोर्ड। तो ये एक चिकलेट कीबोर्ड है। तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और ये देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। पहले हमने इसकी अनबॉक्सिंग कर ली है और इसके अंदर हमें डेल का स्क्रैच कार्ड मिलता है, एक मैनुअल मिलती है इनकी, और हमें मिलता है हमारा कीबोर्ड जो एक प्लास्टिक की थैली में पैक है। पहले मैंने जिस पहले आपको बता रखा है, ये एक चिकलेट कीबोर्ड है। चिकलेट कीबोर्ड स्पेस क्या होता है, जिसके बटन कैलकुलेटर तरह होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और इनमें स्पेस होता है। कुछ लोग चिकलेट कीबोर्ड के आलोचक है और कुछ नहीं है। और जब हम कीबोर्ड पीछे घुमाते हैं तो इसके पीछे एक रबड़ है जिससे आपका कीबोर्ड हिलता नहीं है, स्टैंड रहता है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने इसको प्रैक्टिस में लिया था। और इसके दो स्टैंड मिल जाते हैं जो जिससे आपका कीबोर्ड खड़ा रहेगा और आप इसको आसानी से टाइप कर पाएंगे। अब दूसरा देखिए, ये जो कीबोर्ड है, चिकलेट कीबोर्ड है, जैसे कि आप देख रहे हैं चिकलेट कीबोर्ड के बटन छोटे होते हैं। तो यार दोस्तों, मुझे रियली बताऊं यार, मुझे चिकलेट कीबोर्ड इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो बटन वो छोटे होते हैं। टाइपिंग में भी इतना अच्छा नहीं लगा और गेमिंग में इसमें काफ़ी दिक्कत होती है। चलिए मैं आपको मेरा एक पुराना कीबोर्ड दिखाता हूँ जो 4 साल पुराना है। 4 साल चल गया, मुझे यकीन नहीं आता, मैंने एक दो बार उसको रिपेयर भी किया था। और वो एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। जो मैंने ये कीबोर्ड है ये 150 का है। और अब इन दोनों के बीच का अंतर देखिए, आपको अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। जो हमारा डेल है उसके बटनों में काफ़ी स्पेस है और इसके बटन एकदम चिपके हुए हैं। जो हमारा डेल है उसके बटन की जो साइज है वो बहुत आधी आधी है और इसकी डबल है, ठीक है। तो ये दोनों कीबोर्ड आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो मैकेनिकल कीबोर्ड आते हैं वो तो काफ़ी महंगे आते हैं, जो चिकलेट आते हैं वो 200 से 600 के बीच में आ जाते हैं। पहले दोस्तों अभी बात करते हैं इन दोनों के वजन की। तो जो हमारा पुराना कीबोर्ड है उसमें ज़्यादा वजन है और जो ये डेल का है ये हल्का है। अभी देखिए, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा बटन भी दे रखे हैं, स्पेशली गाना स्टॉप करने के लिए, आवाज़ बढ़ाने के लिए, आवाज़ कम करने के लिए, ये काफ़ी अच्छी बात है। और इसके अंदर हमें 3 लाइट मिलती है और ये USB 2.0 सपोर्ट करता है। तो हमें अगर आपके कंप्यूटर में USB पोर्ट पर भी चल सकता है, ये अच्छी बात। आजकल सभी कंप्यूटर USB पोर्ट सपोर्ट करते हैं। अभी बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। इसकी बिल्ड क्वालिटी ठीक कह सकते हैं दोस्तों, ज़्यादा अच्छी तो नहीं कह सकते, मतलब ठीक ठाक कह सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों, एक दिन का मेरा एक्सपीरियंस इस कीबोर्ड के साथ ये है कि अगर आप गेमिंग करते हैं तो ये कीबोर्ड आपके लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर आप टाइपिंग करते हैं, मतलब आप स्पेशली टाइपिंग का काम ही करते हैं, तो भी आपके लिए कीबोर्ड नहीं है। ये कीबोर्ड केवल बेसिक कीबोर्ड है, आपको कुछ लिखना है, कभी कभी गेम खेल लेते हैं, जैसे मैं कभी कभी के साथ पबजी खेलता हूँ, तो ठीक है। और दोस्तों, मुझे एक और इसके साथ ये प्रॉब्लम लगी, जो इसके बटन है डेल के, वो इस पर जो नाम है वो एक चिपके हुए है, स्टिकर की तरह चिपका हुआ है, जबकि जो हमारा मेम्ब्रेन कीबोर्ड है पुराना उस पर प्रिंटेड है। खैर छोड़ो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कीबोर्ड ये की जो कीबोर्ड है दोस्तों, चिकलेट और मेम्ब्रेन्स, ये ज़्यादा साल नहीं चलते, 2-3 साल लास्ट है, इससे ज़्यादा नहीं चलते अगर ढंग से चलाए। और जो खतरनाक बंदे है वो तो 1 साल में इसको ख़राब कर सकते हैं। वेल दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर हम अनबॉक्सिंग की और रिव्यू के अंदर हम बता दिया कि ये बेसिक है और इसकी मतलब बेसिक यूज़र के लिए ठीक है, अगर आप कुछ एडवांस टाइपिंग काम करते हो तो ये कीबोर्ड आपके लिए नहीं है। और जो इसकी केबल आती है वो ठीक ठाक आती है, ज़्यादा मजबूत तो नहीं कह सकते, और लंबी जरूर है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसकी जो केबल है डेल की वो काफ़ी लंबी है। वेल दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।